हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीन के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनने जा रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी, जो कि व्रत में खाई जाती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनती है ये खिचड़ी, जो बिल्कुल खिले खिले साबूदाने रहते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक कप साबूदाने ले ली हैं, जिनको दो घंटे पहले भिगो कर रख दी हैं। बहुत अच्छे से सोख हो गए हैं, आप देख सकते हैं। आलू लिए हैं मैंने, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और छिलके उतार दिए हैं। कुछ हरी मिर्च काट ली है मैंने, 4 से 5। और यहाँ पे देखिए, 2 टमाटर बड़े साइज़ के काट लिए मैंने। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। देखिए, थोड़े से हमने फल्ली दाने लिए हैं। हम इनको रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे और इनको दरदरा कूट लेंगे। देखिए, हमारे फल्ली दाने अच्छे से भून गए हैं, आप देख सकते हैं। हम इनको उतार लेंगे और इनको कूट लेंगे। देखिए, हम इसमें कूट लेंगे हमारे फल्ली दाने को। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं, या फिर चिल्ली कटर से दरदरा कर सकते हैं इसको। देख सकते हैं आप, मैंने इनको कूट लिया है, इस तरह कर लिया है। आप भी इस तरह कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे ऑयल। हमने बर्तन चढ़ा दिया गैस ऑन करके, उसको हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। देखिए, अब हम हमारा कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें हमारे कटे हुए टमाटर डालेंगे, उनको हम अच्छे से मिला देंगे। उनको बस कुछ ही सेकेंड पकाएंगे, जिससे हमारे टमाटर का जो पानी है वो सूख जाए। फिर इसमें हम हमारे उबले आलू डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इन आलुओं को हम ऐसे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो छुरी से काट सकते हैं, जैसे मैं काट रही हूँ, या फिर आप इनको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए, आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह हाथ से तोड़ भी सकते हैं। देखिए, हमने सभी आलुओं को हमारे ऐसे कट कर लिए हैं टुकड़ों में। अब हम इनको, हमारे टमाटर ये तैयार हो गए हैं। देखिए, हम इसमें हमारे आलू को डालेंगे। हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें अच्छे से मिला दिया है। हम इनको 1 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा सा पकने देंगे, जिससे इनका टेस्ट अच्छा आ जाए। हमारे आलू जो है टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए, अब हम साबूदाने डालेंगे इसमें। इसको हम एक बार मिला देंगे, फिर हम इसमें हमारे सूखे हुए साबूदाने डालेंगे। अब हम इसमें हमारे जो फल्ली दाने हमने कूट लिए थे वो डालेंगे। इसी के साथ हम बिल्कुल थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आता है साबूदाने का। अब इसमें हम हमारा नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम हमारा हरा धनिया भी डाल देंगे, कट कर लिया था मैंने इसको भी। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे साबूदाने की खिचड़ी में 1 चम्मच घी डालेंगे, जिससे हमारा साबूदाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, साबूदाने में घी डालने से क्या है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है हमारे साबूदाने की खिचड़ी, और हमारे साबूदाने खिले खिले बनते हैं। देखिए, चिपकते नहीं हैं हमारे साबूदाने। घी डालना ऑप्शनल ही है फ्रेंड्स, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
देखिए हमारे साबुदाने की खिचड़ी तैयार है। बस हमें इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, फिर हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कितना अच्छा साबुदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हुआ है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.